Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि सारे बैठे हमारे भाई लोग. Hi guys. और ये हमारा भाई. आगे चल रहे हैं काले शेर, इनसे हमें बहुत डर लग रहा है. सामने चल रहे हैं भाई, आराम आराम चलो आप, उनको निकल जाए तो. तो भाई जैसे कि मैंने अभी देखा है, यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है. आपको मैं पास जाकर दिखा रहा हूँ, ट्रक पलट चुका है पूरा. क्या चीज़ उसमें लोड थी वही दिखा रहा हूँ मुझे अगर आपको पास पे. चलते हैं पास, फिर दिखाते हैं आपको. तो देख रहा हूँ मैं वहाँ जाकर. गाइस यहाँ पर पलट चुका है यहाँ पर ट्रक. हम लोग जा रहे थे अपने रास्ते पर. ये भूसा भूसा इसमें लोड था. तो गाइस जैसे कि मैं अभी मैंने देखा यहाँ पर पलट चुका है, लोड किया हुआ भूसा था इसमें. दिखा रहा हूँ मैं, सामने से दिख भी रहा था मुझे, फिर भी दिखा दे रहा हूँ मैं. ये भूसा बहुत ही ख़राब हुआ है. जो इस ट्रक का ड्राइवर होगा पता नहीं उसका क्या हुआ होगा. वही आप लोग अच्छे से सेफ होकर ड्राइव करें. थोड़ा सा जो है ना, थोड़ी सी मतलब नज़र आपकी हटी, दुर्घटना घट गई, तो मतलब यही भैया के साथ हुआ है हमें लगता है ऐसा. तो भैया इसका कैसे एक्सीडेंट हो गया पता नहीं, हमारा हाथ पलटा है, हमारा तो भाई चला रहे, भैया चला रहे हैं काली हिरन. भैया भी दिख रहे हैं काले काले, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं. तो आप लोग अच्छे से सेफ होकर ड्राइव करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है भैया सेफ ओवर ड्राइव करना. क्यों भाई, सेफ ओवर ड्राइव करना ज़रूरी है ना. ओवरलोड मत करें, क्योंकि ओवरलोड आप लोग करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ट्रक्स होते हैं ना, मतलब ओवरलोड करते ही उनका जो जितना वेट होता है तो बढ़ जाता है, तो इसलिए उसका डिसबैलेंस हो जाता है. सो प्लीज़ गाइस आप लोग इतना ओवरलोड मत करें और सेफ ओवर ड्राइव करें. मतलब इसका एक्सीडेंट हो गया, तेज बोले भैया आप. अरे ड्राइवर बने और खाना लेने गया. अच्छा ड्राइवर मतलब खाना लेने गया, बच गया ड्राइवर. चलो बहुत अच्छी बात है भाई कि ड्राइवर अपना बच गया है. ये बताइए हमें आप कि आप इसके ट्रक के अंदर बैठे हुए थे. तो भैया मतलब आप जब पलटी तो आप कहाँ फाइट, कंडक्टर साइड, आप कंडक्टर फाइट के साथ गिर गए थे. आपको चोट वोट तो फिलहाल आई नहीं है, हमें दिख रहे हैं आप बहुत अच्छे हैं, सेफ हैं. चलो बहुत अच्छी बात है कि आप सेफ हैं, आपको कुछ नहीं हुआ. मतलब जो ड्राइवर है ट्रक का उनको भी कुछ नहीं हुआ. चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों दोनों को कुछ नहीं हुआ. तो प्लीज़ आप लोग मतलब बहुत सेफ होकर ड्राइव किया करें, क्योंकि ओवरलोड आप लोगों ने इसमें रख लिया था, इसलिए शायद मुझे लगता है कि ट्रक पलट गया ऐसे ही भैया. तो आप लोग ओवरलोड बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि अगर ट्रक में ओवरलोड हो जाता है तो ट्रक के पलटने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं. भैया ने दे दी सारी जानकारी कैसे पलटा है ट्रक, किस रीजन से पलटा है. कर दो गाइस को मैं. चलिए ठीक है, भैया ने हाई भी कर दिया है. काफ़ी नुकसान हो गया है यहाँ पे, मतलब जो उनका मुफा था यहीं पे गिर गया है. तो चलते हैं अब कार में बैठते हैं. यहाँ पे तो भैया लोग आएंगे, देखेंगे अपना ट्रक. बड़ा ही दुख की बात है उनके लिए, क्योंकि उनका ट्रक है ना बहुत मतलब पलट गया है, बहुत ही ज़्यादा उनका लॉस हो गया है. मतलब सेफ ड्राइव नहीं करेंगे आप लोग तो होना तो भाई यही है. चलते हैं leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. कार में बैठते हैं, अंदर अब बैठे आते हैं कार में. तो काफी बाहर गर्मी हो रखी है और यहाँ पर भी गर्मी है.
धूप भी आप देख रहे होंगे बहुत ही तेज यहाँ पर धूप हो रही है। कोई नहीं भाई, चलो अब यहाँ पे कहीं नहीं रुकेंगे क्योंकि ट्रक पलटा हुआ तो वहीं पे इसलिए उसको देख कर रुक गए थे। तो चलते हैं, तो जैसे कि भाई सनरूफ को बंद करते हैं आप क्योंकि तो बहुत ही ज़्यादा धूप आ रही है यहाँ से। चौराहा, तो भाई का भी कॉल आ रहा है, उससे भी यहीं पे मिलना है अभी क्योंकि यहाँ पे अपना भाई रहता है तो उससे भी मिलेंगे। जैसे कि अभी मैंने देख लिया है भाई आ गया है, कॉल किया था इसको, मैं जा रहा था तो ये देख लिया है मैंने भाई को। और मेरा भाई और सब बढ़िया है भाई, हाथ मिलाओ भाई, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास, चलो बढ़िया। आ चुके हैं अपने प्लेस पर, ये है कालिंजर और ये है यहाँ की सारी मार्केट, और भी दिखा रहे हैं हम आपको भाई। ये है यहाँ की मार्केट और ये हमारे भाई सब लोग खड़े हैं। उसको भाई को भूख लग गई थी, थोड़ा सा खा रहा है। क्या खा रहे भाई? चाट, मतलब चाट खा रहा है, आलू टिक्की खा रहा है भाई। तो ये हैं अपने भाई, हाय। जैसे कि आप लोग भाई को देख रहे हो, भाई का सपना पूरा हो गया है कार में बैठने का। आगे मुझे बहुत हो रही है, मैं आगे बैठूंगी। कहाँ जा रहे? अरे हम कहूँ यहाँ का है तो कहाँ हुई, तुम्हारा बताए तुम ना बताओ, तुम तो अब के बता रहे थे भैया ससुराल जा रहे हैं अपनी बढ़िया खिजा बिजाब लगा के। ससुराल जा रहा तो हूँ, ससुराल जा रहे मेहरिया नहीं, अभी तो भैया तुम बता रहे थे आप कि ससुराल जा रहे अपनी, तो बढ़िया खिजा विजाव लगा के और कटे कटे करा के। कालिंजर का गेट इसमें लक्का भी हुआ है, कालिंजर किला, तो चलते हैं इसके आगे सब्जी लेके। हाय कर दो भैया, हाय, मतलब इनका हो गया है बेड़ा पार हो जाएगा इनका। यहाँ पे हम लोगों ने मतलब रेस्ट कर लिया है, थोड़ा पानी आने प्यास लग गई थी क्योंकि यहाँ पे कुछ खा पी भी लिया है भाई लोगों ने, और आगे चल कर देखते हैं। सुना तो बहुत है कालिंजर का किला, वहाँ पर अच्छा है, तो देख कर ही पता चलेगा भाई कालिंजर का किला कितना खूबसूरत है। तो पहली बार मैं यहाँ आया हूँ कालिंजर अपनी लाइफ में, देखते हैं आगे चलते हैं। चलो मेरे भाइयों, ये सारे भाई अपने दिखा दिए इन टोपों को भी तो ठीक है, देख लिया इन टोपों को आप लोगों ने। तो भाई जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ बहुत ही खूबसूरत एक पहाड़ है, उसमें इतनी खूबसूरत घास लगी हुई है, ये नेचुरल ब्यूटी ही कहेंगे इसको हम लोग क्योंकि ये नेचुरल ब्यूटी ही है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ यहाँ की मार्केट, ये देखिए आप रावण फायद यहाँ, हाँ लंका पति रावण, तो आप लोग यहाँ नीचे लिखा हुआ है ललित पेंटर एवं मूर्तिकार कलेंजर और क्या है धाम। तो अगर किसी को अपने घर में पेंट कराना है ललित जी से बिल्कुल मिलें, बहुत ही अच्छा पेंट करते हैं ललित जी। अभी आप लोगों को दिखाएंगे क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत है ये, और इससे खूबसूरत ही
एक आपको देखने के लिए बहुत ही अच्छा कालिंजरा किला है। आप ये देख रहे हैं, आप बहुत ही अच्छा दृश्य दिख रहा है ये। देख रहे हैं आप लोग, बहुत ही हाथी यहाँ खड़े हुए हैं, जिसको बोलेंगे हम एलिफेंट। हिंदी में बोलते हैं हाथी और इंग्लिश में बोलते हैं एलिफेंट। भाई यहाँ हॉर्न मार रहा है, हट जाइए आप लोग, चढ़ना जाए, हमारी कार जो है ना सारी खत्म हो जाए। देख रहे हैं सामने है भगेलावारी 27 किलोमीटर, और कलिंजर भी है यहाँ पर। कृपया मोड़ पर हॉर्न, यहाँ लगता कृपया मोड़ पर हॉर्न बजाएं। एक मिनट आप लोग गाइस पूछ लेते हैं, चाचा यहाँ पे कालिंजर का रास्ता यही है? किला मतलब कालिंजर यही है अंदर, यहाँ सीधे चले जाएं जी। थैंक यू आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मिलते हैं आप फिर लौट कर आके, अगर आप यहाँ पे खड़े रहें हमारे इंतजार करते रहें। इसमें था वहाँ लिखा था चढ़ती हुई गाड़ी को पहले जाने दें, और ये यहाँ पर रहा एक लगड़ा बग्गा, लगड़ बग्गा नहीं गाइस, लगड़ बग्गा नहीं है ये, हम लोगों की तरह ही इंसान है। और ये यहाँ का बहुत ही ऑसम व्यू आ रहा है, यहाँ देख रहे हैं आप, दिखा दे रहे हैं हम आपको। भाई यहाँ है बहुत ऑफ रोडिंग, तो आराम आराम चलाओ मेरा भाई। और यहाँ पे पानी भी आ रहा है, आप देख रहे हैं कहीं रोड से पानी निकलता है, बट यहाँ पानी आ रहा है रोड से, ज़मीन से पानी निकलता था बट यहाँ तो रोड से पानी निकल रहा है। चलते हैं देखते हैं कहाँ से आ रहा है ये पानी। तो गाइस यहाँ पर पानी की टंकी बनी हुई है, और सामने आप जैसे देख रहे हैं वहाँ, यहाँ पे किला दिख रहा है, मतलब उसकी दीवारें जो है ना वो दिख रही हैं। सच में बहुत ही ऊपर जाना है अभी, अभी तो कुछ नहीं, मंजिल अभी पास है बट यहाँ पे दूर है, देखने में पास लग रहा है और है बट दूर। कृपया मोड़ पर हॉर्न बजाएं, धन्यवाद। हम आपका भी धन्यवाद कर रहे हैं जो हमारे लिए आपने बोर्ड यहाँ पर लगा है। देखो भाई ने अपना हॉर्न भी बजा दिया है। यहाँ पर कार प्रगति पर है, आप लोग यहाँ पर अगर आए तो बहुत आराम से आए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं हादसा शायद हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर पाइप डला हुआ है, रोड भी जो है दब गई है वो। और यहाँ पर अम्मा देख रही हैं हमें, और चाचा भी देख रहे हैं, भाई बोल रहा है अपना आई लाइक यू अम्मा। तो यहाँ रोड मतलब लगता है जैसे पहाड़ काट कर रोड को बनाया है। भाई आप बहुत आराम से चलें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ख़राब रोड है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी पानी आ रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। ये देखिए आप कितना ऑसम व्यूज़ है, बहुत ही अच्छा है। देखिए अपने भाई को, यूपी 95 राइडर को, ऐसे ही अपना प्यार दे बनाए रखें इस भाई पर अपने। अभी ट्राली दिखी है हमें, ट्रैक्टर आगे लगा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है देखो मगर प्यार से। ये देखिए आप, देखो मगर प्यार से, बुलाती है मगर जाने का नहीं। और ये देखिए आप कितना अच्छा झरना टाइप का यहाँ पे पानी गिर रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। अभी आपको उतर के भी दिखाएंगे, देख सकते हैं यहाँ बहुत ही छोटा झरना बह रहा है, शायद ये पानी ऊपर पहाड़ से आ रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ से जा रहा है पानी, जो आप लोगों से पहले दिखाया था मैंने, वहाँ दिख रहा था पानी, शायद यहीं से वो पानी जा रहा है डायरेक्ट नीचे, उसको देख रहे हैं। हाथ में लेके देखते हैं पानी कैसा है, ठंडा या गर्म है। तो भाई पानी तो ठंडा है, तो आप लोग यह देख रहे हैं कि पानी भी ऊपर से आ रहा है। तो शायद ये है हम थोड़ा बहुत भीग भी रहे हैं, बट कोई भी बहुत अच्छा लग रहा है। जब एक अपना कैमरा मैन को लगा देती है, कपड़े यहाँ नहा लेते हैं, बट यही तो कपड़े हैं हमारे पास, और कोई कपड़े नहीं है अभी।
यहाँ पर गिर भी रहे हैं बट अलग हो जाते हैं वहाँ, तो काफ़ी भीग गए हैं। हम तो गीले हो चुके हैं और अपने कैमरे को भी पानी पास ले जाते हैं, देखते हैं क्या होगा इसका हाल। चलते हैं क्योंकि अभी इससे अच्छा भी और भी देखने को मिलेगा। ये अपने तीन टोपे, ये जैसे गाइस आप लोग देख रहे हैं, भाई अपनी बाइक वॉक कर रहा है यहाँ पर ये झरने पे। भैया आपकी बाइक बहुत गंदी हो, ऊपर बहुत कीचड़ है क्या? ऐसा कुछ नहीं, मतलब तो आपकी पहले भी गंदी थी, पहले भी गंदी थी आपकी बाइक। हाँ बात तो सही है, आपकी चलेगी तो गंदी तो होगी, तो उसको साफ़ करना आपका काम है क्योंकि आपका प्रॉपर्टी है ये। कोई नहीं भैया, वॉक करने दो, चलते हैं अब यहाँ से ऊपर, ज़्यादा ऊपर नहीं, किले। I get up, time is barely on our side.